हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। तो सबसे पहले मैंने लिखा है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स रेस टू एक्स। इफ आप ये क्वेश्चन बुक के मेथड से सॉल्व करने जाते हो तो आपको दोनों साइड पहले लॉग अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको u इंटू v का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, देन कुछ स्टेप्स सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलता है। ये सारे प्रोसीजर करने को आपको मिनिमम 4 to 5 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन यही सम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आप इसका आंसर विद इन वन स्टेप निकाल सकते हो। तो चलो देखते हैं कैसे। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन का मैंने विद इन वन स्टेप आंसर लिखा है। तो इधर मैंने कुछ मिरेकल नहीं किया है, जस्ट आई हैव रिमेम्बर वन ट्रिक। तो चलो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। जैसे कि मैंने ट्रिक बोर्ड पे लिखा हूं, इसी ट्रिक को यूज करते हुए आप विद इन वन स्टेप आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आपका क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स में होता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके विद इन वन स्टेप में आंसर लाना होता है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए भी काफी एक आसान तरीका है। तो सबसे पहले आपको एज इट इज लिखना है क्वेश्चन को, फिर आपको ऊपर वाले टर्म को ऊपर लिखना है, नीचे वाले टर्म को नीचे लिखना है, देन आपको एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, फिर लॉग एफ ऑफ एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स लेना है। तो चलो हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं जो हमने सम सॉल्व किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो मैंने पहले उसको एज इट इज लिखा, ऊपर वाले टर्म को ऊपर लिखा, नीचे वाले टर्म को नीचे लिखा। मैंने कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिया, माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है, तो मैंने लॉग कॉस एक्स लिख दिया और x का डेरिवेटिव 1 है। तो हमारा मतलब ये क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। तो हम और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं यही ट्रिक पर। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है साइन एक्स रेस टू साइन एक्स, आप इसको भी यही फॉर्मूला यूज करके विद इन वन स्टेप आंसर निकाल सकते हो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आपको एज इट इज लिखना है। देन आपको ऊपर वाला टर्म, नीचे वाला टर्म, फिर आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, कॉस एक्स, फिर लॉग साइन एक्स, और आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है जो कि होगा कॉस एक्स। तो इधर साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप कॉस एक्स को कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग तो ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग साइन एक्स बच जाते हैं और कॉस एक्स बाहर कॉमन हो जाएगा वो। तो ये आपका आंसर है। तो लेट्स गो फॉर द ट्रिक नंबर 2। मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस टेन एक्स टेन एक्स। आप इसका भी वन स्टेप में आंसर निकाल सकते हो। तो देखो कैसे। जैसे कि आपने देखा कि इधर इसमें भी वन स्टेप में इसका आंसर आया, तो इधर भी यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ट्रिक यूज किया है। तो चलो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो जैसे कि मैंने ट्रिक नंबर 2 बोर्ड पे लिखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स अंडर प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी टाइम्स। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन वन स्टेप आंसर लाना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, देन अपॉन में आपको 2y-1 लिखना है। तो चलो देखते हैं जो सम हमने सॉल्व किया है वो राइट है या रॉन्ग। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2y-1, यह हमारा सम राइट है। तो चलो इसी ट्रिक पे हम सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इन्फिनिटी टाइम्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स देन 2y-1। तो ये भी क्वेश्चन का हम विद इन वन स्टेप आंसर फाइंड कर लिए। तो नाउ लेट्स गो फॉर द ट्रिक नंबर 3। तो
हमारी ट्रिक नंबर थ्री है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू एफ ऑफ एक्स इंफिनिटी टाइम। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है हमें विद इन वन स्टेप, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आपको ये वाला टर्म याद करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई लॉग एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। और इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है वाई इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू एक्स रेस्ट टू इन्फिनिटी टाइम्स। यही एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया गया है, अगर आप बुक के मेथड से सॉल्व करते हो तो आपको इधर टू टाइम्स लॉग यूज करना पड़ता है और इसका कैलकुलेशन काफी लेंदी जाता है, लेकिन इसका भी आंसर हम विद इन वन स्टेप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हम ये एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई लॉग एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा एक्स है तो लॉग एक्स आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा वन अपॉन एफ ऑफ एक्स एक्स। जैसे कि ये क्वेश्चन को भी हमने वन स्टेप में सॉल्व कर लिया। और ऐसे ही काफी और ट्रिक्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको तीनों ट्रिक्स समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर किया हूँ, आप जरूर चेकआउट कीजिए। वहाँ पे हम लोग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जेई नीट एमएसटी सीईटी रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, और हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं, तो आप जरूर उसको चेकआउट करना। तो तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।